ये देखो, मैं चाहता हूँ खासदार इम्तियाज जलील भाई ने जो किया है, ठीक है, उन्होंने भी शिवसेना की चाल सीख गए हैं, उन्होंने भी नौटंकी चालू कर दिया है। शिवसेना जैसी नौटंकी कर रही है इस राज्य में, उसी तरह से इम्तियाज जलील एक अच्छे होशियार खासदार है, लेकिन अभी उन्होंने भी शिवसेना के चेहरा जैसा अपना धर्म का चेहरा लोगों के सामने लाना चालू कर दिया है। मुझे लगता है इस सिर्फ धर्म के चेहरे सामने ला रहे शिवसेना हो या MIM हो, लेकिन ये धर्म को से जीने वाले लोग नहीं है, ये अधर्मी है दोनों भी। और मैं यही बयान करता हूँ कि इन्होंने लूटपुट की लड़ाई खेली है और लोगों का डाइवर्शन कर रहे हैं, लोगों की दिशा भूल कर रहे हैं, और ये दिशा भूल करना ये ठीक बात नहीं है। मुझे एक ही लगता है कि MIM ने ये संधि क्यों लिया है, ये संधि MIM को किसने दिया है। इसका मतलब ये जो मंदिर खोलने की बारी MIM ने MIM पर लाई किसने, ये भाषा क्यों हो गई, ये शिवसेना की वजह से हो गई, इनकी इनकी ठहरा के ये चल रही नौटंकी चल रही है। बोले तो इम्तियाज जलील भाई ने बोलना मंदिर खोलो मस्जिद खोलो, इन्होंने रास्ते पे आके रुकवाना, इनका कोई जरूरत नहीं शिवसेना को रास्ते में आके कार्यकर्ता को रुकाने के, क्योंकि इनकी सरकार है, इनको रास्ते पे आने की जरूरत क्या है, सरकार है। अच्छा ठीक है, इनकी सरकार नहीं सुनती होंगी तो फिर रास्ते पे आओ, अगर इनकी सरकार नहीं होती तो इन्होंने रास्ते पे आना मैं समझ सकता था, लेकिन शिवसेना के कार्यकर्ता लेके कोई शिवसेना का नेता इधर से आके खड़े रहते, इम्तियाज खासदार उधर से अपने कार्यकर्ता लेके खड़े रहते, ये क्या नाटक चल रहा है, ये लोगों को गलत राह पर लेके जा रहे धर्म के नाम पर। और जो मकसद बाजू रह गया है, इनकी नौटंकी हो गई, क्या हुआ, उन्होंने अपना एक पार्ट खत्म कर दिया नौटंकी का, अपने को अटक बता दिया, पार्ट खत्म होगा, शिवसेना में अपनी सत्ता होते हुए रास्ते पे आकर अपना एक पार्ट खत्म कर दिया, ये तमाशा कर रहे हैं और इसका निषेध कर रहे हैं, क्योंकि हमने जो आंदोलन किया है लोकशाही को, जो नियमों को पकड़ के आंदोलन किया है, हमने घंटा नाद किया है, हमने भावुकों के साथ खड़े रहकर ये आंदोलन किया है, हमने ऐसा कार्यकर्ता नहीं है, भाविक साथ है।